दोस्तों फाइनली नॉन प्लान एडमिशन का रिजल्ट भी आ चुका है। अगर आपने सत्र 2023-24 में क्लास छठी से लेकर के नाइन्थ क्लास तक का फॉर्म भरा है, चाहे आपने अपना भरा हो, अपने बच्चे का भरा हो या अपने पड़ोसी रिश्तेदार का भरा हो, तो आप रिजल्ट खुद अपने घर से ही चेक कर सकते हैं। आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं भी परेशान नहीं होना है। आपको कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, तो यार सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो कमेंट करने से पहले पूरी वीडियो को प्रोसीजर को ध्यान से समझ लें, और उसके बाद अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करा करें वीडियो को। यहाँ पर जो ये आप पेज देख पा रहे हैं, इसका मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ तक आप जैसे ही जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर चार पांच ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन सबसे नीचे ऑप्शन मिलता है आपको स्कूल अलॉटमेंट स्टेटस। यहाँ पे ये ई वाला ऑप्शन है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही आपको एक नया इंटरफेस नज़र आ जाएगा कुछ इस तरीके का। और यहाँ पर आप देखोगे तो नॉन प्लान रिजल्ट 2023-24 का। अब आपको यहाँ पर सिंपल सी जो डिटेल अपनी फिल करनी है वो क्या करनी होगी, सबसे पहले यहाँ पे अपनी आप रजिस्ट्रेशन आईडी, जो भी आपको जब भी फॉर्म भरा था तो आपको एक आईडी मिली होगी, वो आईडी यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बच्चे की डालेंगे और यहाँ पर रिपोर्ट पे शो करेंगे। तो चले मैं एक बच्चे का मेरे पास है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इन फ्यूचर भी आपके साथ हम सारी अपडेट शेयर करते रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें यार, क्योंकि छोटी सी आपकी जो लाइक है वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए तो मैंने यहाँ पर डिटेल फिल कर दी है और मैं अब आपको यहाँ पर रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। कैसे आप चेक करोगे कि आपका कौन सा स्कूल है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, कब लेकर के जाने हैं। रिपोर्ट पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर एक पेज आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो जिसमें कि सारी डिटेल आपको शो हो जाएगी। अब आपको सबसे नीचे जाना है, यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। तो जो भी फॉर्म आपने भरा था, जो डिटेल भरी थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, अलॉट स्कूल 11th नंबर में लिखा है कि स्कूल अलॉट कौन सा हुआ है, आपको किस स्कूल में आपको एडमिशन करना है। तो यहाँ पर स्कूल की आईडी है, स्कूल का नाम है, इस बच्चे का खानपुर नंबर 1 गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि आपने किस स्कूल के लिए भरा था और क्या आपको सेम स्कूल मिला है या नहीं मिला है, आपकी क्या प्रॉब्लम है एडमिशन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं। उससे पहले भी आप जरूर चेक कर लें कि भाई दस्तावेज के सत्यापन ही आपकी सही जानकारी होगी, तो बच्चे का जो एडमिशन है वो तभी हो पाएगा जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट वैलिड होंगे, जो भी आपने फिल किए थे। इनकेस कोई भी डॉक्यूमेंट आपका गलत पाया जाता है तो आपका जो एडमिशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए, आपके पास बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्मपत्री होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए पेरेंट्स का, बच्चे का बैंक अकाउंट होना चाहिए, साथ में अगर आप गर्ल्स हैं तो आपके लिए लाडली फॉर्म की स्लिप अगर आपने पहले भरी थी स्लिप होनी चाहिए, साथ में आपके पास दिल्ली का रेजिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए, और पिछली क्लास का आपके पास रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए, यानी कि आपने पिछली जो क्लास है वो किस स्कूल से कहाँ से पढ़ा है वो होना चाहिए। और अगर आपने स्टडी एट होम लिखा है तो आपको कोई भी भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फर्स्ट साइकिल का रिजल्ट है, 21 तारीख यानी कि आज 20 है तो 20 तारीख को रिजल्ट आ चुका है। 21 तारीख से आपके स्कूल में एडमिशन होना शुरू हो जाएंगे, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके अपने स्कूल में जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि 21 तारीख को ना जाएं, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो तुरंत भीड़ मचती है, या तो आप बिल्कुल जल्दी जल्दी चले जाएँ तो आपका काम हो जाएगा, सुबह 7 बजे चले जाएँ। अगर अदरवाइज आप 23-24 को आप जाएंगे, 22-23-24 को, तो आपका एडमिशन ईजिली हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयरिंग करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो यार सब्सक्राइब करने के साथ साथ नीचे लाल बटन दबाकर घंटा जरूर दबा देना, ताकि सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। अगली अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।